मंत्रालय ने लॉकडाउन से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सीमित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही कंटेनमेंट जोन्स में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। परिस्थितियों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी हैं। वे स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मापदंड के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बफर एवं कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन कर रही हैं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन मेजर्स को मॉनिटर कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ICMR रिप्रेजेंटेटिव से, प्लीज। आज दोपहर को 12:30 बजे तक 25,36,156 टेस्ट हुए थे। कल की अगर फिगर देखे जाए तो दूसरी बार 24 घंटे के अंदर 1,07,609 टेस्ट हुए थे, यानी 1,00,000 के ऊपर पिछले दो दिन वो फिगर जा रही है। इस वक्त टोटल 555 लैब एक्टिव हैं, उनमें से 391 लैब्स जो हैं वो ICMR के नेटवर्क में के लैब हैं, 164 लैब प्राइवेट सेक्टर में हैं। ICMR नेटवर्क में तकरीबन 89,466 टेस्ट हुए कल, और प्राइवेट सेक्टर में 18,143 टेस्ट हुए। फ्रेंड्स, आज क्योंकि डबल ब्रीफिंग हम लोगों ने दोनों सब्जेक्ट के ऊपर करवाई है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, एक या दो क्वेश्चन ले लेंगे। नो, बट इन बिटवीन वी हैड द फाइनेंस आल्सो एंड अदर थिंग्स रेगुलरली गोइंग ऑन। इट्स नॉट ओनली दिस, वी वर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन एवरी डे रेगुलरली थ्रू द प्रेस रिलीजेस, सो बिकॉज इट हैज़ बीन अरेंज्ड अप टू गैप। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन इज, देश में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कंटेनमेंट जोन घट रहे हैं, कृपया इसके बारे में जरा स्थिति स्पष्ट करें। सर, कंटेनमेंट जोन इज ए फंक्शन ऑफ कि हमारे केसेस कहाँ पर आए हैं, उन केसेस का ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है और उसको पैरामीटर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो अगर कंटेनमेंट जोन का नंबर भी कम होता है तो वह एक्चुअली एक मुख्य अंश नहीं है। मुख्य अंश यह है कि कंटेनमेंट जोन ज्योग्राफिकल स्प्रेड के बेसिस पर कैसे डिलीनेट किया गया है कि उसमें सारे केसेस और उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कवर हो सके, और उसके तहत ही स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई हैं कि वे कंटेनमेंट जोन को डिलीनेट करें, कंटेनमेंट जोन के अराउंड एक बफर जोन बनाए जहां पर फैसिलिटी बेस्ड वह सारी और आईएलए केसेस की मॉनिटरिंग भी करें। नितेंद्र सिंह फ्रॉम दूरदर्शन। सर, मेरा क्वेश्चन है डिस्चार्ज पॉलिसी जो नई आई है उसके संदर्भ में, कि 10 दिन बाद डिस्चार्ज करना है, 7 दिन घर में रहना है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कितने दिन बाद वो संक्रमण नहीं कर पाएंगे, अगर दोबारा जब टेस्ट नहीं हो रहा है तो वो दूसरे को संक्रमण नहीं कर पाएंगे, या वो कैसे पता लगाएं कि वो ठीक हो गए। सर, डिस्चार्ज पॉलिसी जो हमने रिवाइज पॉलिसी कुछ दिनों पहले जारी की है उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया है कि एविडेंस के बेसिस पर ये पाया गया कि जो केसेस अगर आइदर वो प्री सिम्टोमेटिक हैं या वेरी माइल्ड हैं और या मॉडरेट सिम्टम्स भी थे, अगर उनको 10 दिन तक कोई फीवर नहीं रहता है तो वह उस केसेस में इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए उनको हमने एक परमिशन दी है कि 10 दिन बाद दे कैन गो बैक टू देयर होम। साथ में हमने ये भी कहा है कि जब वह अपने घर भी जाएं तो वह बाहर ना निकलें, 7 दिन तक घर में आइसोलेट करें और रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लें इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एट द क्वारंटाइन लेवल, ताकि वह हर तरीके से ठीक हो सकें। वह इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बेस्ड ऑन एविडेंस ये डिसीजन लिया गया था। ICMR के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन है, is HCQ being dropped as a prophylaxis, what will it be replaced with? इसका जो भी एविडेंस अभी हम ले रहे हैं उसके ऊपर एक रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। अशोक कुमार, लास्ट क्वेश्चन ANI। जैसा कि ये हमें सूचना मिली है, आप लोगों ने बताया कि जून तक ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में जिस तरीके के नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव केसेस के, उसको हम संभाल पाएंगे या क्या हम लोग अब तक उनको संभालने के लिए कर रहे हैं? सर, जैसे कि मैंने आज आपको भी बताया है
बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि करीब 42,000 केसेज हमारे यहाँ रिकवर हो चुके हैं और आज एक्टिव सुपरविजन में केसेज केवल 61,000 के करीब हैं। और इसके साथ ही जो हमारा मेजर फोकस रहा है कि हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें, और उसमें भी हमने देखा है कि अराउंड ओनली 6.39% केसेज में ही केसेज जो या तो जिनको कि ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत थी या वेंटिलेटर की ज़रूरत थी या आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल जो हमारा मेजर फोकस शुरू से रहा है कि हम कंटेनमेंट जोन्स में काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करें, लॉकडाउन के द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, तो उसके तहत ही हम पाते हैं कि हमारे जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन के एफर्ट्स हैं उससे काफ़ी केसेस रिकवर हो रहे हैं और साथ ही बहुत सारे केसेस रिकवरी के रास्ते में हैं। और केसेस जिनको कि एडिशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर सपोर्ट चाहिए उसकी परसेंटेज एज लो एज 6.39% है। वाइल दिस बीइंग द सिचुएशन हमारा मेजर फोकस पैरेलली ये भी रहा है कि हम फिर भी अपने हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करते रहें, जिसके तहत ही हम टाइम टू टाइम आपकी नॉलेज में बताते रहें कि हर स्टेट से बात करते हुए हमने कोविड केयर सेंटर, कोविड के हेल्थ सेंटर और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।